संविधान बनाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा था। नेहरू जी संविधान कैसे बनना चाहिए वह 1930 से लेकर उनका प्रयास चल रहा था। डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत बड़े लीगल अथॉरिटी थे तो उनको ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन बनाया गया। ड्राफ्टिंग उसका महत्व है लेकिन कम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर का योगदान कम था। 90% उनके जो रिकमेंडेशंस थे, उनके जो विचार थे, उनको रिजेक्ट कर दिया। माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि यह डेमोक्रेसी है। यह मेरा मानना है और यह तथ्यों के आधार पर मैंने लिखा है कि संविधान बनाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान डॉक्टर अंबेडकर से ज़्यादा था। इस सच्चाई को जो भी उस इतिहास को पढ़ेगा उनको निर्विवाद यह समझ में आएगा, क्योंकि संविधान बनाने में सबसे शुरुआत इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की, क्योंकि सब जानते हैं कि भारत को स्वतंत्रता लाने में, आज़ादी की लड़ाई में अगुवाई का रोल इंडियन नेशनल कांग्रेस का था। यह जानना जरूरी है कि 26 जनवरी, कल 26 जनवरी थी ना रिपब्लिक डे, तो 26 जनवरी ही क्यों चुना गया, क्योंकि 1930 26 जनवरी को पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की रेजोल्यूशन पास की। तो इसलिए 20 साल के बाद जब संविधान बना तो 26 जनवरी, तो तब से नेहरू जी संविधान कैसे बनना चाहिए वह 1930 से लेकर उनका प्रयास चल रहा था। जब संविधान सभा शुरू हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, इन्हें उसकी उद्देशिका क्या होनी चाहिए, इस पर रेजोल्यूशन पेश करने वाले कौन थे? अंबेडकर नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी उद्देशिका के आधार पर, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के आधार पर प्रियाम्बल बना है, जो प्रियाम्बल संविधान का दिल है, आत्मा है। और संविधान के जितने एक्सपर्ट्स हैं उन सबका मानना है कि संविधान की जो फिलॉसफी है, विजन है और उसका जो कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रोवाइड किया है और इसमें नेहरू जी का रोल अहम है। अब अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत बड़े लीगल अथॉरिटी थे तो उनको ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमिटी, यह संविधान सभा में 8 कमिटियां बनाई गई, उन 8 कमिटियों में एक कमिटी थी ड्राफ्टिंग कमिटी, यानी पूरा चर्चा होने के बाद उसको लिखना। तो ड्राफ्टिंग का काम, यानी उसका जो कंटेंट है उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है, यानी उसके अंदर जो एक कंटेंट है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। ड्राफ्टिंग उसका महत्व है लेकिन कम है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर का योगदान कम था। और एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्रता के बाद जो संविधान चाहते थे, और उन्होंने एक स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज का एक बहुत बड़ा पुस्तक लिखकर संविधान सभा को सौंपा और कहा कि आगे का संविधान ऐसा होना चाहिए, लेकिन संविधान सभा में स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज के 90
प्रतिशत उनके जो रिकमेंडेशंस थे, उनके जो विचार थे, उनको रिजेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि वे तो संविधान के रचयिता नहीं थे, वे संविधान के, जो आज कहा जा रहा है कि बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान, यह सही नहीं है। उनका योगदान था लेकिन वो नेहरू जी के योगदान से कम था। मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने खुद कहा है कि यह मेरा संविधान नहीं है। सितंबर 1953 राज्यसभा का आप रिकॉर्ड देखिए, राज्यसभा में उनको पूछा गया कि डॉक्टर अंबेडकर ये तो आप, ये आपका संविधान है, तो उन्होंने कहा कि यह मेरा संविधान नहीं है, जो मुझे कहा गया वो मैंने लिखा, लेकिन यह मेरा संविधान नहीं है और मेरी बस चली तो मैं इसको जला डालूंगा, ये किसी के भी काम का नहीं है। ये शब्द किनके हैं? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के हैं, तो ये मेरे शब्द नहीं है। तो कैसे कहा जा सकता है कि ये बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान है? यानी उन्होंने इस संविधान को रचने में, यानी ड्राफ्ट करने में सबसे बड़ा योगदान उनका था, लेकिन उसकी जो सामग्री है, उसका लक्ष्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसकी फिलॉसफी, उसका विजन, यह सब कांग्रेस ने, यानी इंडियन नेशनल, उस समय की, आज की नहीं, तय किया था। और उसमें जवाहरलाल नेहरू जी जो उस समय प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका सबसे बड़ा योगदान था। यह तथ्यों के आधार पर मैंने कहा है। माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि यह डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी का तकाजा क्या है? डेमोक्रेसी का तकाजा यह है कि विचार की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट। तो ये मेरी, जैसे मेरी आजादी है, दूसरों की भी है, वो अपने तथ्य रखे और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। और माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता है।